हेलो एवरीवन, आई एम करने वाले एक्सरसाइज 6.2, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 5 कि डी ई इज पैरेलल टू, तो इसमें क्या है, पी क्यू आर है इसमें। ठीक है, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल है आपके ओ आर के। आपको शो करना है सो डैट कि ई एफ पैरेलल है ओ क्यू आर के। जो ये क्वेश्चन है वो आएगा जरूर, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन वेरी इजी है, क्योंकि टीचर इसे इस वजह से देते हैं, पहली प्रायोरिटी उनकी रहती है बीपीटी थ्योरम को प्रूव करवाएं, और दूसरी प्रायोरिटी ये देते हैं कि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए पेपर करने में, तो इस वजह से वो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर डाल देते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन उन्हें करने हैं तो और भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनाएंगे, मतलब थोड़ा हार्ड सा बनाएंगे, इससे तो हार्ड ही बनाएंगे, तो इस वजह से वो क्वेश्चन डाल देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो वैसे बहुत ही सरल है, इसे करने का तरीके देखिए, जो आपको कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पैरेलल की कंडीशन दे रखी हो, मतलब डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, आप वही ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, देखिए डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू है, यह कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, सो हम कह सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ई ओ। यस, पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ, ये आपकी क्वेश्चन वन हो गई। अब देखिए इन ट्राइंगल, अब कौन सा, डी ए पैरेलल टू ओ आर, डी ए पैरेलल टू ओ आर मतलब यार पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर डी ए पैरेलल टू ओ आर, तो हम कह सकते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन ओ डी, पी एफ अपॉन एफ आर पी डी अपॉन ओ डी, ये क्वेश्चन टू डाल दीजिए। आप थोड़ा देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो ये जो वैल्यू है पी डी अपॉन पी डी, ये क्या है, कॉमन है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अभी आपको क्या दे रखा है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसके प्रोपोर्शन है रेशियो में, ये वैल्यू है वो इसके है, तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस क्वांटिटी इक्वेशन थ्री ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाई, ये लिखोगे कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। यस, ये इंपॉर्टेंट है, आप कंडीशन लिखोगे क्यों हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि पहले आप ये फिगर देखिए कि पी क्यू आर इनके जो पॉइंट है वो मीट कर रहे हैं ओ क्यू ओ ओ आर एंड पी ओ, जो पॉइंट है ए बी सी वो लाई कर रहे हैं आपके ओ क्यू पर बी है, ओ आर पे सी पॉइंट लाई कर रहा है एंड ओ पी पे आपके ए पॉइंट लाई कर रहा है। इस वजह से देखिए एक क्वांटिटी है कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी किसके पैरेलल है आपके पी और इसके। ठीक है, चलो जो ए बी क्वांटिटी आपको पैरेलल है इसके, मतलब पी क्यू के, ए सी क्वांटिटी आपकी ए सी किसके पैरेलल है पी आर के, तो आपको शो करना है क्या बी सी भी पैरेलल है ओ क्यू आर के। देखिए मैंने आपको बताया जो ट्रायंगल पैरेलल दे रखा है आप उसको कंडीशन उठाइए, देखिए इसमें बोला क्या है कि ए बी पैरेलल है इसके, मतलब कि इस ट्रायंगल को हम ले सकते हैं, तो लिखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू पी ओ क्यू ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी क्या है पैरेलल है पी क्यू के, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू, इसे आप इक्वेशन बन डाल लीजिए। अब लीजिए ए सी पैरेलल किसके है, ए सी पैरेलल है आपके पी आर के, तो लीजिए इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर, सो इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन ओ ए पी ए सही से आता है ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, इसे डालिए क्वेश्चन टू। आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इसमें कॉमन क्या मिला आपको, ये वाली क्वांटिटी क्या है कौन मिल रही है, ये
दिखा दिया करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्व टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखो ये वैल्यू क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, ये जो क्वान्टिटी है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन थ्री, सो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, किससे भाई कंडीशन लिखोगे कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस तरह से है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब 6.1 की कोई थ्योरम है उसे यूज करना है, ठीक है। कौन सी थ्योरम है वो बी पी टी थ्योरम है, ऐसे बता दिया गया, पर क्वेश्चन में ऐसे लिख के नहीं आएगी, ठीक है। प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, हमें प्रूव करना है कि एक लाइन डाली गई है ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। अगर मान लो मैंने ये ए बी सी ट्राइंगल है और उसमें ए भी एक लाइन है, मतलब इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, मतलब कि ये पी जो पॉइंट में आया मैंने यहाँ आपको थोड़ा दिखे इस तरह से, ये मिड पॉइंट है, मतलब कि आपकी ए पी इक्वल है बी पी के, मिड पॉइंट वही तो होता है, ठीक है। वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब इसमें बोला भी है कि वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू वन अनदर साइड, ठीक है। मतलब ये जो पी क्यू है वो पैरेलल भी बता रहा है कि ये पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ठीक है। आगे है टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, आपको बताना है कि जो बाइसेक्ट मतलब इसे काट रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि यार ये भी इसको मतलब इक्वल डिवीजन काट रहा है, मतलब ये वैल्यू इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ये प्रूव करना है, जो उसमें बोला है थ्योरम 6.1 यूज करनी है, वो थ्योरम आपको बी पी टी थ्योरम है, ठीक है, मानते हैं। पर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ऐसा कुछ लिख के नहीं आएगा, आपको यहाँ समझना है। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, आप गिवन में लिख लीजिए, गिवन में क्या लिखोगे ए पी इक्व टू बी पी, ठीक है। टू प्रूफ में लिखोगे आप ए क्यू इक्व टू क्यू सी, हमें गिवन में ए पी और बी पी इक्वल दे रखे हैं, गिवन में और दे रखा आपको पी क्यू पैरेलल है आपके बी सी के, ठीक है। और आपको टू प्रूफ में लिखना है कि ए क्यू क्यू सी के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है आपको, अब आप उसी प्रूफ देखिए। प्रूफ क्या है कि हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी, सो वी कैन से कि ए पी इक्व अपॉन बी पी इक्व टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, हो गया। अब हम इसमें यूज करेंगे, देखो ये वैल्यू क्या है, आगे देखो किससे कर रहे हैं, बाई बी पी टी थ्योरम, ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको बताए कि ए पी अपॉन ए पी इक्व टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, आप सोच रहे होंगे मैंने एक बी पी जगह मैंने आपको ए पी क्यों लिख दिया, आप रीजन देंगे क्योंकि आपको ए पी किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है, या तो आप दोनों कंडीशन को बी पी बी पी लिख लिए या मैंने आपको यहाँ ए पी कर दिया, मतलब इससे वैल्यू कट जाएगी, आपको इससे मिल जाएगा मतलब कि ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्व टू बनाएगी, हम कह सकते हैं कि ए क्यू इक्व टू क्यू सी, मतलब कि इस कंडीशन से प्रूव हो गया कि जो वैल्यू है ए क्यू वो इसके इक्वल है, तो आपको लिखोगे हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए कि यूजिंग थ्योरम 6.2, भैया देखो आप जो थ्योरम है 6.2 वो क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। पर आपको पता है पेपर इस तरह से आएगा नहीं, ठीक भी बात नहीं, आपको प्रूव करना है कि प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, अगर प्रूव करना है कि अगर किसी ट्राइंगल में मिड पॉइंट टू साइड पर मतलब कि काट रहा है, मतलब मिड पॉइंट मतलब ये ए पी और बी क्यू इक्वल है और ए क्यू और क्यू सी आपकी इक्वल है, ठीक है, इतना दे रखा है। ऑफ ए टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देखिए क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो आप इसे दोबारा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा पेपर में, आप अगर किसी क्वेश्चन में एक बार ना पढ़े दोबारा पढ़िए, उससे आपको कोई फायदा मिलेगा, ठीक है। को हमें देखो मुझे समझ में आ गया, इसमें यह है कि आपको किसी एक ट्राइंगल दे रखा है, ये आपको खुद ही मतलब अपना ट्राइंगल बनाना होगा पेपर में, इस तरह से आपको अगर पेपर में जो दे रखा है कि ए पी और बी क्यू आपको इक्वल है, तो देखिए हम लिखेंगे गिवन, गिवन दे रखा है कि आपको जो दो साइड देखी ट्राइंगल थी वो आपस में क्या है मिड पॉइंट में कट हुई है, मिड पॉइंट में, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आप इसके साथ इक्वल है, हमें नहीं पता, बस वो मिड पॉइंट है वो आपस में इक्वल कर रहा है, हम कह सकते हैं कि ए पी इक्व टू पी वी, ए पी इक्व टू पी वी एंड
ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। टू प्रूफ में लिखोगे आप, टू प्रूफ में हमें करना क्या है, हमें करना है कि इज पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू बी सी, आपको ही प्रूफ करना है क्या पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अब देखिए प्रूफ, देखिए आपका प्रूफ में ए पी अपॉन पी बी लिख सकते हो। अब मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ ए पी अपॉन ए पी, कट के आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। मतलब कि आपने जो वैल्यू रखी है आपको क्या मिल गया, वन मिल गया, ठीक है। आप इसे क्वेश्चन डाल दीजिए ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल हम कर सकते हैं, क्वेश्चन वन डाल दीजिए। अब इसे लीजिए ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो हम इसे आए करिए ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्यू सी को आप ए क्यू कर लीजिए क्योंकि आप उसमें आप रीजन देंगे इसमें कि ए क्यू इक्वल टू ओ सी क्यू सी, ऐसे इसमें देखेंगे आप रीजन इसमें ए पी इक्वल टू पी बी, ठीक है, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो रीजन लिखना पड़ेगा देयरफॉर। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपको ए क्यू एक कट जाएगा वैल्यू वन मिलेगी, तो आप कह सकते हो ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू वन, ये क्वेश्चन डाल दीजिए आप लोग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए पी अपॉन पी वी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब ये देखिए जब ये एल एस साइड दोनों साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ये भी आपकी इक्वल होंगी, ठीक है। देखिए अब आपको क्या मिल गया ए पी अपॉन पी वी ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि पी क्यू पैरेलल है आपके बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इस तरह से है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो अगर आप कोई भी ट्रेपेजियम बनाओगे इस तरह से, ऐसे बनाओगे ए बी सी या डी या ए बी सी डी, ठीक है, चलो नाम अच्छी तरह से कर ले रहे हैं, इसे आप डी कर लीजिए, इसे आप सी कर लीजिए, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी ए फॉर्मेट में करना अच्छा रहता है, ठीक। तो आपको ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें क्या है आपको गिवन दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, अब करते हैं। तो वही गिवन क्या दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है ए बी पैरेलल है आपको सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के, आपको टू प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल किसके सी ओ अपॉन डी ओ प्रूव करना, ठीक है। अब करो कंस्ट्रक्शन, देखो हमने पहले बात किया कंस्ट्रक्शन हमेशा तीसरे पॉइंट पर क्यों आया, देखो हमें पता था क्या है गिवन, इसमें गिवन है प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि हम करना है और हम आगे बढ़ेंगे, हमें पता चल गया कि हमारे कारण क्या था आगे बढ़ने का, हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस तरह से करोगे कि मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉप पैरेलल करूँगा एम डाल के ओ एम पैरेलल टू सी डी, बस मैंने ये किया है कि जो ओ एम है वो पैरेलल है किसके सी डी के, तो हम कह सकते हैं जो मैंने ये वैल्यू डाली है वो अभी वो सी डी पैरेलल है आपके बी ए बी के ए बी के, तो देयरफॉर आप कंस्ट्रक्शन कैसे लिख सकते हो ओ एम पैरेलल टू सी डी और पैरेलल टू ए बी, ठीक है। आप देखिए प्रूफ, तो देखिए पहले आप जो ओ एम है इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी डी ओ एम पैरेलल टू सी डी, अगर ओ एम पैरेलल सी डी है तो हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, इसे आप क्वेश्चन में डाल दीजिए ए एम अपॉन एम डी ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल, अब ये आप यह ट्राइंगल ले लीजिए ए बी डी ए बी डी ओ एम पैरेलल टू ए बी, इस बार ओ एम किसके पैरेलल है ए बी के, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू डी एम और डी एम और ए एम, ठीक है, ये मैंने इस तरह से कर लिया। अब ध्यान दोगे ये ए एम क्या है, इस साइड है ए एम और डी एम, तो हम इसे रेशियो कर लीजिए। आप देखिए ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एम,
आप इस क्वेश्चन वन इसमें डाल दीजिए, ये क्वेश्चन वन थी तो आप इसे क्वेश्चन टू डाल दीजिए। अब हम कह सकते हैं, आप ध्यान से देखोगे, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू आप ये कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए अपॉन सी ओ इक्व टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है इतना आ गया। बस आपको जो करना है पहले आप वो करिए। अब लास्ट में आपने बस इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन इंटरेस्ट बनाने के लिए साइड चेंज कर दिया, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ए इसको आप इधर ले जाइए, इसे ऊपर कर लीजिए, ए अपॉन ओ बी इक्व टू सी ओ अपॉन ओ डी, यही आपको दे रखा था, आपको प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपका सिर्फ इस क्वेश्चन में रिवर्स पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको इस तरह का अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, आपको जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको आपस में वो किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ठीक है। सच डेट आपको गिवन दे रखा है ए ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, ओ सी अपॉन ओ डी, आपको प्रूव करना है कि सो डेट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ठीक है उतना होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, गिवन लिखेंगे, गिवन आपको पता है कि ओ ए अपॉन ओ बी इक्व टू सी ओ अपॉन डी ओ गिवन है, ठीक। और आपको गिवन क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है इतना ही है। टू प्रूव में आपको करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई, इसमें कंस्ट्रक्शन करने का इसमें मतलब है करना तो पड़ेगा, जैसे उसको क्वेश्चन किया था ऐसे इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। हम इसमें एक सब एक और करेंगे कि ओ इसमें एम डाल दीजिए, ओ एम किसके पहले, सी डी के, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए कुछ मत करिए, इसमें आप डालिए ओ एम पैरेलल टू सी डी। अब हमें ये पता कि किस ट्राइंगल का ओ एम है, या इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल, ठीक है। हमने से एक लाइन बोल दी कि जो ओ एम है पैरेलल है ये सी डी के, इतना हो गया, ठीक है। आप करते हैं प्रूफ, इन ट्राइंगल ए डी सी